हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक सवाल पूछा गया बड़ा बेसिक सा कि ये जो मुंबई के घाट सेक्शन वगैरह होते हैं, चाहे वो खंडाला घाट की बात हो या दूसरे घाट की बात हो, वहाँ पे ये बैंकर लोकोमोटिव में ये तीन तीन चार चार लोकोमोटिव एक साथ क्यों लगा देते हैं। मतलब अगर जब ट्रेनों की रिक्वायरमेंट एक या दो लोकोमोटिव से उसका काम हो सकता है, तो ये इतने सारे लोकोमोटिव क्यों लगा देते हैं। खैर, वीडियो को थोड़ा जनरल पर्पज से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैंकर लोकोमोटिव का एक जनरल आइडिया देता हूँ, काम क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई सी ट्रेन को चढ़ाई चढ़नी होती है, ठीक है, इसको टेक्निकल रेलवे की टेक्निकल भाषा में ग्रेडियंट कहा जाता है। जब भी किसी ट्रेन को ऐसी कोई चढ़ाई चढ़नी होती है, तो उसको बैंकर लोकोमोटिव अटैच कर दिए जाते हैं उसके रेयर एंड पे। और बैंकर लोकोमोटिव का काम होता है कि लीडिंग लोकोमोटिव को चढ़ने में हेल्प कर सके, ठीक है, ताकि वो पीछे से पुश कर सके एंड थोड़ा सा उसको एक्सेलरेट करने में हेल्प कर सके। ये उसका जो है काम रह होता है बैंकर लोकोमोटिव का। अब सवाल ये आता है कि ये तीन तीन चार चार लोकोमोटिव का क्या जो है कारण है, और ये हमें वहीं देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सिया राजधानी की बात करें, तो वो तो पूरे एंड टू एंड पुशपुल के अंदर चलती है, तो उसके अंदर तो उसमें एक ही लोकोमोटिव लगाया जाता है। बट अगर हम कुछ और ट्रेनों की बात करें, जैसे कि पुष्पक वगैरह या अदर गाड़ियाँ, जिनके अंदर स्पेसिफिकली जो इगतपुरी वाला सेक्शन आता है, जो कसारा घाट्स आते हैं, वहाँ पर एक बैंकर लोकोमोटिव डेडिकेटली वहाँ पर अटैच किया जाता है, तो उनके अंदर ज़्यादा लोकोमोटिव लगाए जाते हैं। ये भेदभाव किस लिए है, ठीक है। देखिए दोस्तों, रेलवे ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, रेलवे बस अपना वक्त बचा रहा है ऐसा करके, ठीक है। कैसे बचाता है, देखिए होता क्या है कि एक घाट सेक्शन में से बहुत सारी दिन भर में ट्रेनें गुजरती है, उन सभी ट्रेनों की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वहाँ पे पैसेंजर गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, वहाँ पे माल गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, और रेलवे को, या फिर आप ये कहें कि जो पर्सन उस सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उस एरिया को कंट्रोल कर रहा है, बैंकर लोकोमोटिव के मैनेजमेंट को देख रहा है, इनको हर ट्रेन को टैकल करना होता है, हर टाइप के हिसाब से इनको प्रिपेयर रहना होता है एकदम। क्योंकि यहाँ पे इस सेक्शन में क्या होता है कि गाड़ी बनकर नहीं चलती है, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। फटाफट से चलती हुई गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है, ठीक है, उसमें बैंकर लोकोमोटिव अटैच करना है, लेके जाना है घाट पे, उसको चढ़ाना है, जैसी चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी वापस अपना लोकोमोटिव डिटैच करना है, नीचे लेकर के आना है। ये इनकी रूटीन जॉब बन जाती है। तो अब आप सोचिए कि अब आप अपने आप को एक तरीके से ना उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर समझिए, या जो लोकोमोटिव को कंट्रोल कर मतलब मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, आप वो समझिए खुद को। अगर तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप ऐसा मतलब लोकोमोटिव के पेयर ऑफ लोकोमोटिव्स बना के रखेंगे अपने पास, जो कि हर ट्रेन में यूज़ हो जाए। मतलब अगर मेरे पास, मुझे दिन में 50 ट्रेनों को हैंडल करना है, 50 ट्रेनों को चढ़ाई चढ़वानी है, तो आप एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे ना ताकि आप हर ट्रेन के लिए कोई दिक्कत आपको ना हो। तो रेलवे भी यही करता है। जैसे कि कोई ट्रेन मान लीजिए 10 कोच की है, उसका काम एक लोकोमोटिव से हो जाता है। कोई ट्रेन 24 कोच की है, नॉर्मल जो हमारी एक्सप्रेस गाड़ियाँ होती हैं, उसके लिए दो लोकोमोटिव चाहिए। अब आ गई माल गाड़ी, लोडेड 60 वैगन, दो हमें चाहिए तीन से चार लोकोमोटिव। तो ये डिफरेंट 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 वो होता है। अब आप मान के चलिए एक सीरीज़ चल रही है, एक सीरीज़ में आ रही है, एक पहले पैसेंजर गाड़ी आई, एक लोकोमोटिव लगाओ, ठीक है, उसके बाद आई राजधानी टाइप, चलो वो तो ले गई वेब सेवन अपने आप ले गया, या एक बैंकर लोकोमोटिव लगा दिया, दो लोकोमोटिव चाहिए। अब क्या वो जो पर्सन जो मैनेज कर रहे हैं, वो बार बार क्या बस यही करते रहेंगे, एक लोकोमोटिव हटाया लगा दिया, दो लोकोमोटिव हटाए लगा दिए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जनरल पेयर बनाया, चार लोकोमोटिव का पेयर बनाया। यही चार लोकोमोटिव के पेयर को आप पैसेंजर गाड़ी में भी लगा दो, राजधानी में लगा दो, जिसमें लगाना है उसमें लगा दो। एक जनरल पर्पस हमने चार लोकोमोटिव का या तीन लोकोमोटिव का पेयर बना करके रखा हुआ है, और वो नॉर्मली अपना काम जो है करता रहता है। इसलिए आप देखते हो कि आपकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, जैसे मेल एक्सप्रेस वगैरह, उसके अंदर ये तीन लोकोमोटिव चार लोकोमोटिव का पेयर आकर के अटैच हो जाता है, ताकि उनको वो शफलिंग और रीशफलिंग का टाइम बच जाता है। अगर ये लोग ऐसा करने लग गए तो गाड़ियाँ एक एक घंटे के लिए खड़ी होंगी इगतपुरी कसारा जैसे रेलवे स्टेशनों के ऊपर, और तब कहीं जाके उनमें जो है बैंकर लोकोमोटिव अटैच होगा। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो के ऊपर, मतलब पूरी जो है वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपके कमेंट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर, बाय बाय।